संत श्री रविदास सेवा समिति अहिरखेड़ी इंदौर द्वारा रविवार को नवीन कार्यकारिणी गठन शपथ विधि और सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। पूर्व उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री मध्य प्रदेश शासन और वर्तमान में राव के लोकप्रिय विधायक जीतू पटवारी रविवार को संत रविदास धाम अहिरखेड़ी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। यहां उन्होंने समिति के रामलाल सूर्यवंशी, जगदीश अस्थाया व संतोष अस्थाया को इस कार्य हेतु बधाई दी। साथ ही उन्होंने गुरु रविदास अनुयायी समिति के पदाधिकारियों को भी बधाइयां दी। जीतू पटवारी ने इस अवसर पर रविदास समिति के इस धरोहर रूपी पूरे परिसर में टीन शेड और ब्लॉक लगाने की घोषणा कर इसके लिए तुरंत मोबाइल कर आदेश भी दिए। पटवारी ने राव चौराहे पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 101 फीट की विशाल प्रतिमा लगाने हेतु सभी समाज जनों से सहयोग के लिए आह्वान किया। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सभी हमारे रविदास परिवार के परिवारजनों से अनुरोध करना चाहता हूँ, आज संत श्री रविदास जी सेवा समिति द्वारा आयोजन नवीन कार्यकारिणी की शपथ विधि सम्मान में मुझे आना था, क्योंकि मुझे शाजापुर भी पहले से ही प्रोग्राम था, पर मैं आप सबके बीच में आया हूँ और सभी परिवार के वो साथी जो अब आएंगे और मैं जल्दी चला गया उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ और परिवार का साथी हूँ। आप सबकी कृपा, दया और आशीर्वाद से जो कुछ भी मैं हूँ, मैं मानता हूँ ऐसे में कि जब भी आवश्यकता जब समाज को मेरी पड़ती है, मैंने कभी मेरे से चूक नहीं हुई, गलती भी नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। मैं आप सबका अनुरोध करता हूं कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के एक भव्य आदमकद प्रतिमा का की स्थापना राव चौराहे पर करनी है और आप सबका उसमें सहयोग, भावनात्मक सहयोग प्रत्यक्ष रूप से, सहयोग अप्रत्यक्ष रूप से। सभी रविदास परिवार के लोग अम्बेडकरवादी, हमारे जितने भी परिवार के वो लोग जो संविधान में और बाबा साहब अम्बेडकर में भरोसा रखते हैं, उनको अनुरोध करता हूँ इस अभियान को आप तेज करो। हम सब 101 फीट ऊंची बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा का स्थापना राव में, जो हमारा मऊ और राव और इंदौर को जोड़ने वाला भव्य चौराहा बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, वहाँ पे करेंगे। आप सब, हम सब मिलकर उसमें भावना बनाए और आंदोलन चलाए और अभियान बनाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।